नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस सलार एजुटेब के बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। भाई साहब, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि आपका अधिकार होता है, वो अधिकार जब आपको लो और अगर उस अधिकार में भी कोई दिक्कत करता है तो अच्छा नहीं लगता है और आदमी फ्रस्ट्रेट होता है और रिएक्ट करने की कोशिश नहीं कर नहीं पाता, क्योंकि सरकारी कर्मचारी बहुत ही कमज़ोर आदमी होता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है जो मैं अभी बताने वाला हूँ कि मान लीजिए आपको कैजुअल लीव लेनी हो और कैजुअल लीव लेने में भी नौटंकी करें कि मतलब ऑनलाइन भी बंदा ले रहा है, उस पर भी अगर नाटक हो यार तो कैसा होगा। तो इसी बारे में हमारा वीडियो है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है भैया कि कोई कैजुअल लीव या कोई ऑनलाइन अप्लाई भी कर रहा है फिर भी छुट्टी देने में दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है, तो चलिए देखते हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बड़ा झटका, छुट्टियों को लेकर जारी हुआ नया आदेश। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं और सीधे काम की बात करते हैं। सरकारी स्कूलों को शिक्षकों को लगा बड़ा झटका नए आदेश के मुताबिक अब शिक्षकों का अवकाश लेना आसान है। अब ना तो शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज डालकर छुट्टी पाएंगे और ना ही जिला छोड़ सकेंगे, टैग रिकॉर्ड जाँच के बाद उनका अवकाश स्वीकृत होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बात है भैया, ऐसा क्या हो गया कि छुट्टी लेना आसान नहीं होगा। अरे भाई, पोर्टल पे बंदा ले रहा है तो छुट्टी तो बात ख़त्म करो यार, उसको छुट्टी बाकी हो तो उसमें भी अगर होगा तो भी दिक्कत है। तो चलिए, थोड़ा सा बड़ा वीडियो नहीं है, काम की बात है। चलिए, बार बार पर अवकाश लेने वाले सरकारी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को बड़ा झटका लगा नए आदेश के मुताबिक अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का अवकाश लेना आसान नहीं होगा। अब ना तो शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज डालकर छुट्टी पर जाएंगे, ना ही जिला छोड़ सकेंगे, इसके लिए बाकायदा उन्हें ऑनलाइन अवकाश आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन, जिसके बाद उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, ट्रैक रिकॉर्ड के जांच के बाद उनकी स्वीकृत जो अवकाश स्वीकृत होगा। ठीक है, अब मेन बात वो नहीं है कि वो गायब हो रहे हैं, मेन बात अब है कि वो अवकाश लेने के समय भी देखते हैं कि क्या है, छुट्टी पर है नहीं। दरअसल आगरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों बार बार छुट्टियां लेने से तंग आ चुके हैं, इस कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होती। इसीलिए बेसिक बीएससी ने शिक्षकों का अवकाश लेकर सख्ती बरतनी शुरू की। उन्होंने अवकाश का आवेदन स्वीकृत करने से पहले शिक्षकों की टैग रिकॉर्ड जाँच शुरू कर दी है। वह सिर्फ उन्हीं शिक्षकों अवकाश के आवेदन स्वीकार कर रहे हैं जिन्हें छुट्टी का लेने का कारण स्वाभाविक है, वहीं बेवजह कारण या फिर बहाने वाले शिक्षकों को आवेदन तत्काल निरस्त कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन भी छुट्टी रिजेक्ट कर देते हैं। निरस्त किए गए सैकड़ों आवेदन। बता दें कि अगस्त महीने में बीएससी को 1000 से अधिक अवकाश आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से उन्होंने महज 300 ही आवेदन स्वीकृत किए। 550 से अधिक आवेदन जांच के बाद निरस्त कर दिए, जबकि बाकी आवेदन खंड शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद फैसला लिया। बीएससी प्रवीण कुमार तिवारी खुद जो है ऑनलाइन वाले आने वाले शिक्षकों आवेदन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वह सबसे पहले आवेदन जो छुट्टी का कारण देखते हैं और इसके साथ उक्त शिक्षक का पिछला छुट्टी का रिकॉर्ड देखते हैं, अगर कारण वाजिब हो तो स्वीकृत करते हैं, अन्यथा निरस्त करते हैं। वैसे कहना छुट्टी लेना शिक्षकों का अधिकार है, उन्हें शिक्षकों को शिक्षित विद्यार्थियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी भी मिली है। बच्चों के पास शिक्षा का अन्य विकल्प नहीं, शिक्षकों को अधिक छुट्टी लेने से पढ़ाई बाधित होती। अब भाई साहब, बीएससी साहब को कौन समझाए कि भैया छुट्टी जानता आदमी निश्चित है, फालतू में काहे लेगा यार। ठीक है, फालतू में कोई छुट्टी लेने वाले नहीं है, काम होता है तभी। वैसे भी 14 छुट्टी मिलती हैं और कौन सा छुट्टी लेगा, बाकी जो सीएल सीसीएल है जिसका भाई अधिकार है वो छुट्टी लेगा और देना भी चाहिए। मान लो कि अब आप डिसाइड करोगे किसी को ज़रूरत है कि नहीं भाई साहब, भाई जिसको ज़रूरत होगी वही छुट्टी लेगा। चलिए, बात की बात है, लेकिन खैर वहाँ का संघ होगा, इस चीज़ को देखेगा कि भैया मैटर क्या चल रहा है, कि जो छुट्टी चाहिए होगी वो भी नहीं दे रहे हो। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा वीडियो था, उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को। चलिए ठीक है, नमस्कार।